अब बंद होने का टाइम हो गया ना। आज हम बागा बीच आए हैं, संडे का दिन है और ये इसको लास्ट बागा बोलते हैं, मतलब ये बागा का एंड है। ये रिवर बागा में ये रिवर मिल रही है, देखो मछली। वाटर स्पोर्ट्स ऑन हो चुका है, वाटर स्पोर्ट्स आज से ही चालू हुए हैं। आज संडे का दिन है और हम बागा बीच में हैं। इससे पहले हम कैलंगूट बीच थे, हमने वो दिखाया। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, की तरफ आया था कि ऊपर में कुछ पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा। चलो हैं, डस्टबिन पीछे की तरफ होगा, अभी बैग में डाल लेना, आगे फेंक देंगे यार।
अब ढूंढते हैं आई लव गोवा टी शर्ट वाला गैंग। कैलंगुट में तो बहुत उड़दंग मचा रखी थी उन्होंने, पुलिस ने कईयों को पकड़ा भी था। हाई टाइड हो गई शुरू, इसलिए शायद पानी में अब बंद कर दिया जाना लोगों का। लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही हैं, शाम के टाइम होता है तो शायद इसलिए पानी में अब कोई स्विमिंग करता हुआ दिख नहीं रहा। लहरें देख रही कितनी ऊंची हो गई। ये बागा बीच है, आज संडे का दिन है और अभी एकदम से लहरें ऊंची हो गई तो इसलिए स्विमिंग तो बंद कर दी है, पर वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। बंद होने का टाइम हो गया ना। ये स्टैंड है ना, इसमें लाते ले जाते हैं। Come on.
करी होगी ना, ऐसे थोड़ी किसी को भी बैठने दे रहे हैं, लाखों रुपए की चीज है। देख पानी कितना आगे आ गया। अगर बागा और कैलंगूट, हाँ बागा और कैलंगूट को कंपेयर करें ना, तो बागा कैलंगूट से थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ की रेत देख है, और वहाँ तो चलना भी मुश्किल हो रहा था कैलंगूट बीच में। लहरें देख, एक्सपर्ट होते हैं तो तैराक हैं, इनके लिए तो पानी ही आम बात है। कोई लाइफ गार्ड बनना या वाटर स्पोर्ट्स का लाइसेंस लेना कोई आसान काम, आपके पास एक से गोताखोर होते हैं, गोताखोर है। लोग इस समय बागा बीच में है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अब बस हम चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। चाय हम घर से ही बना के लाए हैं, और वाटर स्पोर्ट शुरू हो चुके हैं। भीड़ बहुत ही अनलिमिटेड भीड़ है, मतलब मुझे ये बीचेस क्यों नहीं पसंद है, क्यों ओजान और मोरजे मैंड्रिम पसंद है, वो मुझे आपको देख के वीडियो मालूम पड़ जाएगा।